जाऊंगा। आप किताब को रिव्यू कीजिए। नहीं सर, मैं पुस्तक का प्रचार नहीं करने आया, मैं सवाल तो पूछने आया हूँ आपसे। आपकी 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 इस किताब में ये सारे, मैंने आपको कब बुलाया यहाँ पे, कोई निमंत्रण भेजा नमस्कार दोस्तों, पंजाब टुडे टीवी पर आपका स्वागत है, जहाँ आपको गोदी मीडिया का सच दिखाया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि वरिष्ठ पत्रकार अमन चोपड़ा के सब बेहतरीन बेइज्जती के क्लिप्स। जहां इनकी हिजाब के इशू पर अपनी डिबेट में बेइज्जती हुई तो सुब्रमण्यम स्वामी ने इनको दुष्ट बताया, और अंत में जो ये पूर्व उपराष्ट्रपति के घर जाकर अपने इंसल्ट करवा कर आए थे वो भी देखेंगे, जब इन्हें कहा गया था कि आपको किसी ने बुलाया जो आप यहाँ आए। तुम क्या चाहते हो कि वो यहाँ से तुम्हारे बिकनी पहन के आए? नहीं, तुम्हें कब सुकून मिलेगा? इतने पर्वत और टर्की मत बनो, कितने जाहिल आदमी है, कि वो कितने बदतमी। अरे संविधान पढ़ा है शरिया, ज्यादा बातें करेंगे या सुनेंगे हमारी? संविधान पढ़ा है। पीयू कॉलेज का मतलब होता है 11-12। अरे पीयू, अरे कर्नाटक गए हो कभी? अच्छा ठीक है, तो क्या था? पीयू कॉलेज का मतलब होता है 11-12, और 11-12 स्कूल होता है। और स्कूल नहीं था? सुनिए, स्कूल में हवन, सुनिए ना, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में स्कूल में वहाँ पे सरस्वती की पूजा कराई जाती है, तो धार्मिक इंट्यूशन है ना है। जो क्रिश्चियनिटी की स्कूल्स हैं वहाँ पे संडे को मास कराया जाता है और चर्च पे जाते हैं सारे स्टूडेंट्स। और उसी तरीके से दयानंद एंग्लो वैदिक जो मेरा स्कूल था डीएवी में, हर सैटरडे को हम लोग को हवन की पूजा करनी पड़ती थी, हवन करना पड़ता था। तो आप कैसे कहते हैं कि बचपन से बच्चों को धार्मिक नहीं कराया जाता? हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? एजेंडा है, समझ गए? हर एक स्कूल में, इस देश के हर एक स्कूल में अपना अपना एक धार्मिक एजेंडा है। समझ पा रहे? तो ये मत कहिए, मैंने कब कहा, मैंने कब कहा धार्मिक एजेंडा? मैंने तो टॉपिक ही नहीं लाया, मैं सिर्फ यूनिफॉर्म ड्रेस कोड की बात कर रहा हूँ। शोएब जमाई ड्रेस कोड होती है, समझ आना नहीं आ रहा है? ड्रेस कोड होती है भाई, बच्चे एक समान होते हैं। यूनिफॉर्म कपड़ा नहीं पहन के, यूनिफॉर्म का मतलब होता है यूनिफॉर्मिटी, अंग्रेजी में यूनिफॉर्म मतलब बच्चे एक समान, कोई लिंग भेद नहीं, कोई धर्म के आधार पर कोई भेद नहीं। मेरे बगल में कौन बैठा है मुझे नहीं पता कि वो हिंदू है मुसलमान है। ड्रेस कोड संविधान बढ़ाया शरिया, क्योंकि टीका लगाने और टीका लगाने के बाद पता चल जाता है कि कौन हिंदू है और कौन मुसलमान है। पहला सवाल वही जो हमारा हैशटैग है इंडिया का डीएनए, क्या कहता है सर इंडिया का डीएनए आपके हिसाब से? इंडिया का डीएनए कहते हैं कि हम सब एक हैं। मतलब मैं अगर ये समझूं कि 2014 में ब्रांड मोदी लहर और 2019 में राष्ट्रवाद की लहर? नहीं, 2014 में भी ब्रांड मोदी नहीं था, ये तो आप अखबार वालों ने बना दी, और जेटली को तो इकोनॉमिक्स पता ही नहीं है, तो इसीलिए ये इस हालत हुई है। से इस अति प्रेम की वजह कुछ? मेरा कोई प्रेम नहीं है, मैं उसको जानता भी नहीं हूं। इतना है कि प्रेम का तो सवाल ही नहीं है। नहीं, आपका ये प्रेम कई बार छलका है। मैं नहीं, प्रेम आपका प्रेम से मुझे संदेह होता है, तुम्हारे अखबार वालों का प्रेम से। रोज घूमते रहता हूँ, मीटिंग्स एड्रेस करता हूँ, तो फिर तो वो देखना होता है। नहीं सर, अगर आप प्रचार में तो यह है कि जो जेटली के पीछे चपलूसी करेंगे तो मुझे प्रमोशन मिलेगा, मुझे टेलीविजन में अच्छा काम मिलेगा, नहीं मिलेगा तो निकाल देगा, ये डर है आप लोगों के दिमाग। बुरा ना माने तो सर मैं एक सवाल नहीं, मैं कुछ बुरा नहीं मांगूंगा, आदमी मत बुरा मानिए, मैं कुछ कहूंगा तो। मैं सर बुरा ना माने तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं बीजेपी के भावी शत्रुघ्न सिन्हा से बात कर रहा हूँ। नहीं, मुझे लगता है कि किसी दुष्ट के साथ मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, अगले नहीं करूंगा। मतलब मैं बहुत कैंडिडली आपको एक बात कहता हूँ। मैं भी कैंडिडली जवाब जी दिया। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बेबाकी का तो मैं वैसे ही कायल हूँ सर। मैं बड़ी बेबाकी से एक बात कहता हूँ, बीजेपी में मेरे ख्याल से आप इकलौते ऐसे नेता हैं, सांसद हैं, जो अपनी लाइन खुद तय करते हैं, पार्टी की लाइन नहीं तो करते। उसके आप ये कहते हैं वित्त मंत्री अरुण जेटली इकोनॉमिक्स नहीं जानते हैं, आपने कहा कि माल्या मिलकर गया जेटली से, आपने ये भी कहा कि चिदंबरम और इन लोगों पर कार्रवाई नहीं हो रही जेटली की वजह से, जेटली आपने बहुत कुछ कहा उनके बारे में,
फिर भी आप पर कार्रवाई नहीं होती। नहीं, क्योंकि पार्टी लाइन नहीं है ये, आप लोग पता नहीं वो इंदिरा गांधी के जमाने से आज भी उस बीमारी में फंसे हुए हैं कि कोई भी कुछ नेता के बिना बोल देगा तो फिर वो पार्टी के लाइन के विरुद्ध में। हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, उसको मानना चाहिए, और जो तथ्य पर आधारित बातें हैं, भले पार्टी के कई लोगों को पसंद ना आए, परंतु तो पार्टी का विरोध नहीं होता है। चल जाता है कि कौन हिंदू है मुसलमान है, तो बेवकूफी की बातें मत करो। हिजाब पहनना जो है वो बरसों से है, आज क्यों दिक्कत हो रही है? क्योंकि हिंदू शर्म आनी चाहिए, उन बच्चियों के साथ आपको खड़ा होना चाहिए। चलिए टॉपिक खत्म करेंगे, लड़कियों के साथ जो हिंदू बच्ची है उनके साथ भी खड़े हो, फिर जो स्कूल जाना चाहिए, जो हिंदू बच्ची है जो भगवा पहन कर आ रही उनके साथ खड़े हो, फिर बेशर्मी सुध रही है। बेशर्मी आपको, बेशर्मी की हदें पार कर रहे हैं आप। बच्चियों का धर्म ढूंढ रहे हैं, बच्चियों को धर्म के आधार पर बांट रहे हैं, बच्चों में मजहबी कट्टरता का बीज बो रहे हैं आप। बरसों से मजहबी कट्टरता फैलाते हैं शिक्षा के मंदिर में। लेकिन बच्चियों को बख्श दीजिए, बच्चियों को बख्श दीजिए शुएब, और मौके मिलेंगे। बच्चियों को मजहबी के कट्टरता के आधार पर बांटते हैं आप लोग। बच्चियां खुद हिजाब पहन के आ रही, तुम क्या चाहते हो भाई? तुम क्या चाहते हो शुएब? नहीं है यहाँ से तुम्हारे बिकनी पहन के आए ये? नहीं, तुम्हें कब सुकून मिलेगा? इतने पर्वत और तमीज आदमी मत बनो। कितने मैं नहीं हटाऊंगा आप सबको, नहीं पता है कहाँ पता है, हाथ ऊपर करो किसको पता है। आप बुरा ना माने तो सर मैं एक सवाल नहीं, मैं कुछ बुरा नहीं मांगूंगा। आदमी मत बुरा मानिए, मैं कुछ कहूंगा तो मैं सर बुरा ना माने तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं बीजेपी के भावी शत्रुघ्न सिन्हा से बात कर रहा हूँ। नहीं, मुझे लगता है कि किसी दुष्ट के साथ मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, अगले नहीं करूँगा। नहीं सर, मैंने इसलिए आपसे बोला ये क्योंकि इतने बागी नहीं कहूंगा, इतना खुलकर सरकार के साथ सरकार के मंत्री का इतना मुखर विरोध किसी ने नहीं किया। ये तो तय करने वाली है सरकार, ये तय करने वाली है पार्टी, वो कुछ नहीं कहते हैं। तुम्हें इतना क्यों, तुम क्या जेटली का चमचा हो? मोदी सरकार का प्रचार, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी नहीं है चौकीदार। मैं चौकीदार नहीं हो सकता। चौकीदार का काम है कि किसी को चोरी करने से रोकना, और मैंने कहा कि ब्राह्मण होता है ज्ञानी और त्यागी, कोई जन्म से ब्राह्मण कोई नहीं होता हमारे देश में, होना भी नहीं चाहिए। कृष्ण भगवान ने इसको स्पष्ट कर दिया गीता में, पता नहीं अब गीता पढ़ते हैं कि नहीं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मतलब कोई ब्राह्मण अगर है वो चौकीदार नहीं हो सकता? नहीं, वो ब्राह्मण का काम नहीं कर रहा, वो फिर चौकीदार हो जाता है, दोनों नहीं हो सकते। ये मेरे को पता है, ये कंट्रोवर्सी, ये जातिवादी टिप्पणी नहीं है कि कोई ब्राह्मण चौकीदार? दोबारा शुरू कर दिया अभी मैंने तुम्हें, एक्सप्लेन किया था, दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जन्म से नहीं होता है। ये जो जाति चल रही है वो तो जाति और वर्ण में फर्क है, वो भी नहीं आप जानते हैं, यही प्रॉब्लम है। आपका पश्चिमीकरण बहुत हो गया है, थोड़ा भारतीयकरण करो अपने का। तुम्हें सीबीआई डायरेक्टर कौन है, आलोक वर्मा या नागेश्वर राव? आज की डेट में सीबीआई डायरेक्टर कौन है? नागेश्वर राव। आलोक शर्मा, गलत साबित करिए। आज की डेट में सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा है, छुट्टी पर भेज दिया आलोक वर्मा सीबीआई डायरेक्टर है, लेकिन उनका जो छुट्टी पर भेजा गया उसके ऊपर मोहर नहीं लगाई सुप्रीम कोर्ट ने, वो जो मोहर लगाई है वो आप बता दीजिए। और जो बार बार आप कह रहे हैं कि सपा का कांग्रेस से साथ टूट गया, मैं इसका उत्तर दे दूं, अभी जी न्यूज पर ही चल रहा था, उतर गया अखिलेश यादव जी ने जेपीसी की मांग की है। नागेश्वर राव जी को कहो थोड़ा हिंदी सीख ले। सर अनुराग भदौरिया को? नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ इनसे पूछ लीजिए, जरा नागेश्वर राव जी से चश्मा लगाकर। तुम भी बेसहारा हम भी बेसहारा, फिटे मुंह तुम्हारा फिटे मुंह हमारा। लैंग्वेज पर कमेंट नहीं करेंगे आप, उनकी लैंग्वेज पर कमेंट नहीं करेंगे। आप किसी पैनलिस्ट का अपमान नहीं करेंगे, कोई बात नहीं कर रहा हूँ। इंग्लिश का सपा का रिश्तेदारी किसी भी भारतीय भाषा का अपमान नहीं होगा यहाँ पर, आपको बता रहा हूँ। मेरे पैनलिस्ट हैं, मैंने बहुत सम्मान से बुलाया उनको। आप बोल रहे हैं हिंदी सीख कर आइए, अंग्रेजी सीख कर आइए, आप अंग्रेजी में पंजाबी पंजाबी बोल रहे हैं, जो बार बार सवाल कहाँ से क्या बोलकर आते हैं, कुछ भी बोलेंगे। क्या चल रहा है जी न्यूज पर उसको पढ़ ले सर। आप, मैं आपको बताऊँ, भाजपा का पक्ष रखते रखते लोग बावले हो गए। आप लोग जी मीडिया पर सवाल उठाते हैं, ऑडियो बंद करिए इनका। आप जानते हैं ZNCL क्या है? ZNCL बताओ बताओ ना, कुछ तो बताओ।
अरे कुछ तो बताओ ना। इंटरेस्टेड? आई एम नॉट इंटरेस्टेड यार, मुझे सुनना ही नहीं है। में देखा जाता है ZMCL 1 अरब से ज्यादा लोग देखते हैं। ZMCL खुसरा पहन चोर, ZMCL कुत्ते का पुत्र, ZMCL ना माँ ना प्यो। मनमोहन सिंह कहते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का, वो सेकुलरिज्म है। मैंने कहा कहीं कहा है ये? मनमोहन सिंह ने कहा है ना जी। तो आप मनमोहन सिंह से क्यों, वो सेकुलरिज्म नहीं है ना, आप मनमोहन सिंह से क्यों नहीं पूछते हैं, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूं, मनमोहन सिंह का लूंगा, उनसे भी पूछूंगा मैं ये। नहीं तो आप मैं पूछे, आपसे जो सवाल मनमोहन सिंह से पूछना था ठीक है, मैं जो आपने कहा मैं उस पे। वन मिनट प्लीज लेट मी फिनिश। बोलिए सर, बोलिए। डिड आई इन्वाइट यू फॉर दिस डिस्कशन? नहीं। You came? Why did you come? जी, सवाल पूछने के लिए। क्यों? क्योंकि आप उपराष्ट्रपति रहे, मैं सवाल पूछने आया हूँ आपसे। किताब को सवाल ना पूछूं? आप किताब सवाल ना पूछूं मैं आपसे? आप जैसा कहेंगे मैं आगे बढ़ जाऊंगा। आप किताब को रिव्यू कीजिए। नहीं सर, मैं पुस्तक का प्रचार नहीं करने आया, मैं सवाल पूछने आया हूँ आपकी 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 किताब में ये सारे। मैंने आपको कब बुलाया यहाँ पे? कोई निमंत्रण भेजा? Channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.